बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और आज हम चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इस कुछ टॉपिक को स्टडी करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। बिफोर डैट कि हम कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन देखें, हम सबसे पहले देखेंगे कंज्यूमर कौन है। A consumer is a person who consumes goods and services in order to satisfy his human wants. Consumer वो person है जो goods and services को consume कर रहा है in order to satisfy his human want. Consumer कुछ limitation को face कर रहा होता है, उसमें उसकी पहली limitation है वो है limited resources और second है unlimited वॉन्ट। हर कंज्यूमर ने अपना स्पेंडिंग पैटर्न इन दोनों लिमिटेशन को देखते हुए एडजस्ट करना होता है। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन है वो भी इन्हीं दोनों पॉइंट के देखते हुए हम स्टडी करते हैं। द पैटर्न ऑफ स्पेंडिंग इनकम एंड गेटिंग possible maximum level of satisfaction is known as consumer behavior. Consumer का वो spending pattern जिसमें वो अपनी income ऐसे spend करते कि उसकी जो utility है या उसकी satisfaction है वो maximum हो, उसे हम consumer behavior कहते हैं। So हमें इससे पता चलता है जो consumer के objective है वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करना और उससे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अचीव करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूटिलिटी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज इज टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट का या कमोडिटी का वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो के ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करे उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। और इन अदर वर्ड द पावर ऑफ प्रोडक्ट बाय विच ह्यूमन वांट आर सेटिस्फाई इज कॉल्ड यूटिलिटी। जो किसी भी प्रोडक्ट की वो पावर जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो हम उसे यूटिलिटी कहते हैं। सपोज दैट एक बंदे को प्यास लगी है तो वो पानी पी रहा है तो पानी से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो पानी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसकी पावर है वो प्यास को कम करना है, तो वो उसकी क्या है, यूटिलिटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होती है। The amount of satisfaction obtained from the consumption of all the unit of commodity or service over the period of time is called total utility. वो amount of satisfaction जो consumer किसी भी product की किसी भी commodity की तमाम unit को consume करके हासिल कर रहा है या receive कर रहा है उसे हम total utility कहते हैं। का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। मीनिंग दैट हम किसी प्रोडक्ट की जब मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। लेट्स सपोज अ पर्सन कंज्यूम द 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स and resulting satisfaction from each unit is expressed as 8, 6, 4 and 2 respectively. So हम ये different marginal utility हैं 8 plus 4 plus 6 plus 2 को add हमने कर लिया तो हमारे पास total utility हमने find कर ली जो कि equal है 20 के। Next हमारा concept है marginal utility. The extra amount of satisfaction which is to be obtained from having an additional increment of commodity. Meaning that, वो extra amount of satisfaction
जो कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा अमाउंट या एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने से रिसीव कर रहा है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। इन अदर वर्ड मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी यू ओवर डेल्टा क्यू, वे डेल्टा रिप्रेजेंट द साइन ऑफ चेंज, टी यू रिप्रेजेंट द टोटल यूटिलिटी, एम यू रिप्रेजेंट द मार्जिनल यूटिलिटी एंड क्यू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। हमने सपोज कर लिया कि एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की 6 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है और उसकी टोटल यूटिलिटी हमें गिवन है। सो हमने फाइंड क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी है। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला हमें गिवन है डेल्टा टी यू ओवर डेल्टा क्यू। सो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है फार्मूले के मुताबिक, एक हमें चेंज इन टोटल यूटिलिटी चाहिए और दूसरा हमें चेंज इन क्वांटिटी चाहिए। चेंज का हमारा फार्मूला है करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी के अंदर चेंज को फाइंड करना है हमने। सो करंट वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी अगर हम करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट यूनिट यूनिट के लिए उसका चेंज हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो उसकी टोटल यूटिलिटी थी 8, जो कि उसकी करंट वैल्यू है। और इससे पहले अभी तक कंज्यूम जब तक कंज्यूमर ने कोई भी प्रोडक्ट की यूनिट कंज्यूम नहीं की थी तो उसकी टोटल यूटिलिटी 0 थी, जो कि उसकी प्रीवियस वैल्यू है। सो 8 माइनस 0 इक्वल टू 8। नेक्स्ट यूनिट जब कंज्यूमर ने कंज्यूम की तो उसकी टोटल यूटिलिटी 14 होगी, जो कि उसकी करंट वैल्यू है और प्रीवियस वैल्यू उसकी क्या है, 8 है। 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। इसी तरह हमने 6 यूनिट तक चेंज फाइंड कर लिया टोटल यूटिलिटी का। नेक्स्ट हमने चेंज इन क्वांटिटी फाइंड किया, वो भी हमारे पास गिवन है जो कि इक्वल टू 1 है। सिंपल हमने ये दोनों चेंज की वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट करनी है और हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी जो कि हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है इनिशियल यूटिलिटी। द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड और सर्विस इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। वो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से हासिल कर रहा है उसे हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो उसे 8 यूटिल सेटिस्फेक्शन रिसीव हुई। यूटिल जो है वो मेजरिंग यूनिट ऑफ यूटिलिटी है। सो 8 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियल यूटिलिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव यूटिलिटी। द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी बिफोर द मार्जिनल यूटिलिटी रीच टू 0 इज कॉल्ड पॉजिटिव यूटिलिटी। जब कंज्यूमर की यूटिलिटी कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0 हो जाए, उससे पहले जितनी भी यूटिलिटी वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से हासिल कर रहा है वो सारी की सारी यूटिलिटीज उसकी पॉजिटिव यूटिलिटी कंसिडर होती हैं, जिसे हम पॉजिटिव यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सैचुरेशन पॉइंट। By consumption of that unit of commodity where marginal utility drop down to 0 is called saturation point.
जब कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है और वो उसका जो मार्जिन यूटिलिटी का लेवल है वो ज़ीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और इन अदर वर्ड द पॉइंट वेयर मार्जिन यूटिलिटी बिकम ज़ीरो एंड टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम इज कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए उसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और आज का लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नेगेटिव यूटिलिटी। बाय कंज्यूमिंग द नेक्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी आफ्टर दैट द सैचुरेशन पॉइंट द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, इट इज नोन एज नेगेटिव यूटिलिटी। सैचुरेशन पॉइंट के बाद अगर कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की कंजम्पशन को कंटिन्यू रखता है तो उससे जो यूटिलिटी रिसीव होगी वो होगी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम नेगेटिव यूटिलिटी कहते हैं। आज के लिए इतना ही टॉपिक हम कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के कुछ मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।